तो वाइज हाउ टू मास्टर सीरीज़ में आज हमारा पहला एपिसोड होने वाला है पिंकी स्प्रेड के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे कि आप किसी ट्रिक को कैसे मास्टर कर सकते हो उसमें खुद को एक्सपर्ट बना सकते हो तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा पिंकी स्प्रेड आज हम हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो पिंकी स्प्रेड में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आपने मेरा पुराना वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा जाकर के उसको देखो पहले इस ट्रिक को सीख लो फिर जानो कि इसको मास्टर कैसे करना है बहुत से लोग क्या करते हैं तीन चार रोटेशन में फंस जाते हैं और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि उनको लगता है पिंकी स्प्रेड डिफिकल्ट नहीं मेरा मानना है कि पिंकी स्प्रेड सबसे ईजिएस्ट पावर ट्रिक होती है तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस पहला पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हाथ की मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी कई बार क्या होता है मैक्सिमम लोग हाथ को इस तरीके से घुमाते हैं कोई ऊपर नीचे करते हैं आपको यहाँ पर ध्यान देना है फंडा क्या है देखो आप जब भी किसी का हाथ देखोगे प्रोस्पिनर का जो पिंकी स्प्रेड करता है तो यहाँ पर ये यह वाली फिंगर है आप पिंकी फिंगर को देखो ये फिंगर ऐसे ऐसे होती है बस यही फिंगर का पूरा खेल है नाम क्या है पिंकी स्प्रेड यहाँ पर जो पूरा काम होता है पिंकी फिंगर से होता है यानी इस उंगली से आप लोग क्या करते हो पिंकी स्प्रेड को मूवमेंट नहीं करते हो यहाँ पर क्या है पिंकी स्प्रेड से आपको ऐसे से करना है बट मैक्सिमम जो बंदे इस ट्रिक को सीखते हैं वो क्या करते हैं इसको ऐसे ऐसे करने के बजाय इसके मूवमेंट खाली ऊपर नीचे रखते हैं नॉर्मल मूवमेंट रखते हैं और फिर जब पेन मोड आता है तो वो खाली ऐसे उछालते हैं आपको देखो उछालना नहीं है ये जो है ना फिंगर इससे ऐसे फ्लिक करते हैं एक बार और आप लोग बिगिनर्स क्या गलती करते हो कि इससे ऐसे उछालते हो उछालना नहीं है देखो जब पेन मोड ऐसे आता है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे पेन मोड यहाँ पर आया जब आप इसको ऐसे फ्लिक करोगे ना ऐसे तो फ्लिक करने से क्या होता है ना इसको एक बाउंस मिलता है फिर पेन मोड यहीं पर आता है फिर फ्लिक करोगे फिर ऐसे आएगा तो लगातार इस फिंगर से ऐसे किया जाता है ठीक है देखो ये आप लोग आई होप कि आप लोग ठीक से देख पा रहे हो ये देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है इस तरीके से फ्लिक मिल रहा है आप मेरे हाथ को नोटिस करो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है हाँ क्या होता है कई बार कैमरे में देखने में लगता है कि ज़्यादा मूवमेंट हो रही है बट उतनी ज्यादा भी नहीं होती है ठीक है मेन क्या होता है आपका ये वाला पार्ट ठीक है तो पिंकी स्प्रेड में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है इसको चाहे तो कहीं पर लिख के दीवार पर लगा लो बट इसको ध्यान में रखना कि ये जो आपका पिंकी फिंगर वाला पार्ट होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है सेकेंड चीज़ आपका स्टार्टर ट्रिक स्टार्टर ट्रिक यहाँ पे क्या मैटर करता है देखो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर एंगल एंगल क्या है जब आप थम ब्राउन करते हैं तो एंगल इस तरीके से होता है अब जब आपको पिंकी स्प्रेड करना है तो कई लोग पिंकी स्प्रेड का एंगल सेट नहीं कर पाते जैसे कि वो लोग कंटिन्यूसली मान लो पावर ट्रिक कर रहे हैं पावर ट्रिक में क्या होता है जैसे कि आपने ये किया था अराउंड पिंकी स्प्रेड लेके आपको यहाँ से हाईतुआ मारना है तब तो क्या होता है थोड़ा सा एंगल का दिक्कत आता है ठीक है तो आपको एंगल का ध्यान देना है बट एक ऐसा तरीका है जिससे आपका एंगल कभी भी गलत नहीं होगा कई बार क्या होता है हम पावर ट्रिक कर रहे हैं मान लो ये ऐसे हुआ आपको बाउंस देना है फिर यहीं पर ऐसे हाथुआ मारना है तो यहाँ पर एंगल की गड़बड़ी होती है तो वो फिक्स करने के लिए आपको एफ कुछ इस तरीके से करना है ठीक है ये देखो मेरा हाथ ये ऐसे आया रिलैक्स करो फिर इस तरीके से ये वाला ठीक है कुछ लोग एफ रिले भी करते हैं रिले में देखो क्या होता है जैसे ये आया तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर्स ऐसे बाउंस देते हैं ठीक है थीके? अगर वो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है आप उसको यूज़ करो देखो ये वाला जो थम्बराउंड होता है ना ये वाला इससे बेस्ट और कोई भी नहीं होता ये सबसे बेस्ट आपका थम ब्राउंड होता है पावर ट्रिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट स्टार्टर ट्रिक होती है आपकी पावर ट्रिक करने के लिए आप लिटरली इस स्टार्टर ट्रिक से कोई भी पावर ट्रिक को परफॉर्म कर सकते हो मैक्सिमम को तो कर ही सकते हो भले ही सबको ना कर पाओ मैक्सिमम को कर सकते हो ठीक है तो ये दो पॉइंट हो गए पहला पॉइंट आपकी फिंग पिंकी फिंगर वाला जो इस तरीके से करना है सेकेंड पॉइंट आपके थम वाला ठीक है ये दो पॉइंट्स को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है उसके बाद में पिंकी फिंगर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है सेकेंड चीज़ रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक है देखो कैसे कुछ लोग क्या करते हैं पावर पास से करते हैं देखो पावर पास से करने में दिक्कत नहीं है बट मेन बात क्या है ना कि पिंकी फिंगर जो है ये पूरा आपके बाउंस का खेल है और पावर पास में क्या होता है ना कि वो मोशन आप उतना क्लियरली नहीं समझते हो अब जैसे पावर पास से आप कर रहे हो ना तो क्या है कि आपको मोशन वाला बाद में समझ में आएगा लेकिन अगर आप शुरुआती ही थम राउंड से करोगे ना तो जो मोशन है वो आपको जल्दी समझ में आएगा तो अगर से आप पावर पास से शुरुआत करते हो तो एक छोटा सा आपके पास डिसएडवांटेज रहता है हाँ पावर पास से सीख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें बट एक थोड़ा सा सेटबैक मिलता है उसमें ठीक है अगर आपको पावर ट्रिकर बनना है पावर ट्रिक में अच्छा बनना है तो फिर आप यहाँ पर थम्बोराउ को चूज़ करना ठीक है अगर आपको पावर ट्रिक में अच्छा करना है तो फिर थम्बोराउंड से बढ़िया हमको नहीं लगता कि कोई और आपके लिए स्टार्टर ट्रिक है ठीक है तो ये दो बातों को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इसके बाद देखो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस किस तरीके से नॉर्मल स्पिनर्स को आप देखते हो ना ऐसे पेनमोट को पकड़ते हैं जंप किया कैच किया फिर उछाला फिर कैच किया ठीक है आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करती रहनी है ठीक है लगातार करना है एंड एंड फाइनल जो यहाँ पर मिथ होता है सबका बहुत से स्पिनर्स सोचते हैं कि जो पिंकी स्प्रेड है वो सेंटर से होता है पूरी तरीके से गलत है पिंकी स्प्रेड कभी भी सेंटर से नहीं होता हमेशा सेंटर के नीचे वाले पार्ट से होता है आप इससे बाउंस देते हो स्पिन होकर यहीं पर आता है ठीक है कभी भी पिंकी स्प्रेड सेंटर से नहीं होता सेंटर के इधर वाले पार्ट से होता है ठीक है इस बात का प्रॉपरली ध्यान देना और कभी भी पेन मोड टकराना नहीं चाहिए बहुत से बंदे क्या करते हैं जैसे कि आ रहा है तो इससे टकराया फिर बाउंस हुआ टकराया बाउंस हुआ तो टकरा कर नहीं होना चाहिए ये जो है प्रॉपर इस तरीके से मोशन बनना चाहिए तो अब देखो हम आप लोग के पास तो नहीं आ सकते नहीं देख सकते कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो तो एक काम कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में, में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी प्रियंशुबेन फोरी टू एट जी मेल डॉट कॉम जहाँ पर आप अपने स्पिनिंग के वीडियोस उनको पोस्ट कर सकते हो ताकि पता चल पाए कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आपकी वीडियोस को देख करके हम और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएंगे तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में